कलरफुल थ्रेड्स आज लेके आई हूँ आपके लिए खूबसूरत सी बेबी कैप। बहुत ही प्यारी सी ग्रिपिंग है इसकी, देख सकते हैं आप। बिल्कुल भी कहीं भी बच्चों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होनी है। इस तरह की ग्रिपिंग की कैप अगर आप क्रोशा से बनाते हैं तो परफेक्टली बन के रेडी नहीं होती है, बट आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाना है, बिल्कुल ऐसी ही आपकी ग्रिप बन के रेडी होगी। ऐसी ग्रिपिंग लग रहा है, इसमें इलास्टिक पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। और ये जो कैप मैंने बनाई है फ्रेंड्स, ये है एक सेट के कैप। कुछ दिनों पहले मैंने ये स्वेटर अपलोड किया है, बेबी स्वेटर अपलोड किया है ये 3 to 6 month बेबी के लिए। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास इसकी कैप बनाने के लिए, सो मैंने 3 to 6 month बेबी के लिए ही ये कैप भी बनाई है। बिल्कुल मैचिंग की कैप है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस पूरी कैप को बनाने में मुझे सिर्फ 35 से 40 ग्राम ऊन लगी है, बहुत ही कम ऊन में बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस सेट की बूटीज़ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना भी ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत सी बूटीज़ है, पूरा ही सेट मैंने बना दिया है कैप स्वेटर एंड बूटीज़ का। तो चलिए फिर आज कैप का वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है इस खूबसूरत सी कैप। हाँ, इस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले इसके नीचे की नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए बना लेना है हमें इसमें 8 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ चेन बना के पहली वाली चेन को स्किप करेंगे और दूसरी वाली जो चेन है सेकंड नंबर वाली, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए लूप डालेंगे और इसे दोनों लूप को निकाल लेंगे। क्रोशिया में लूप नहीं लेना है, बिना लूप लिए नेक्स्ट वन में डालेंगे और इस तरह से लेंगे। सिर्फ दो लूप होंगे क्रोशिया में और इसे ओवर कर देंगे। ओके, तो सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसी तरह रेडी करेंगे। टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बन के इसमें रेडी होंगी। जो फर्स्ट चेन हमने स्किप की है उसे भी अगर एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल 8 होंगी। ओके, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए जो सबसे पहली वाली है, इसी में इस तरह से पूरे सिंगल क्रोशिया में नहीं डालेंगे, ऐसे डालेंगे कि सिर्फ पीछे वाली चेन आपकी क्रोशिया हुक में आए और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। अगेन नेक्स्ट वाली में सिर्फ पीछे वाली में ही डालेंगे, बैक पोस्ट बनानी है ये इस तरीके से देखिए बनाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। अगेन जनरली हम लोग इस तरह से डालते हैं तो इस तरह से क्रोशिया हुक को नहीं आपको लेना है, सिर्फ ये जो चेन ऊपर आपको दिख रही है इसमें पीछे वाला जो इसका साइड है इसी में डालना है और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरे में ऐसे ही 8 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। अगेन एक चेन बनाएंगे, थर्ड रो के लिए वर्क को टर्न करेंगे, फिर से बैक से ही क्रोशिया हुक को उठाएंगे, क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से ये देखिए इस तरह से लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे में आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ पीछे वाला जो चेन आपको दिख रही है उसे पीछे की तरफ से उठाना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए तब तक बनाना है जब तक ये 13 से 13.5 इंच ना हो जाए। और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो हेड का मेज़रमेंट ले लें और हेड का मेज़रमेंट लेके जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे और पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे और 13 से 13.5 इंच लंबा इसे बना। मैंने इसमें पूरा 13 से 13.5, ये मेरा 13.5 इंच लंबा बन के रेडी हुआ है।
अब इन दोनों को एजेस को जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड है उसे आपस में एक साथ ऐड करेंगे और जो फर्स्ट नंबर वाली यहाँ पे आपकी सिंगल क्रोशा है इसमें डालेंगे और इससे इजीली निकाल लेंगे। यहाँ दोनों को हमें ऐड करना है, फिर सेकंड वन वाली में डालेंगे इसकी सेकंड और इसकी सेकंड। ओके, इन दोनों को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर थर्ड वन वाली में डालेंगे पहले वाले की थर्ड और दूसरे वाले की थर्ड निकालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरा बन के रेडी है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है और सीधा करके बस अब यहीं से वर्क करना स्टार्ट करना है। तो इसमें हमें एक रो में फंदों को भी बढ़ाना है, एक चेन बना लेंगे और जो पहली वाली डबल क्रोशिया है सॉरी सिंगल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ओके, फिर दूसरी रो है, नेक्स्ट रो जो है नेक्स्ट रो में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो थर्ड रो है थर्ड रो में डालेंगे और यहाँ पे दो बना लेंगे, एक और सेम इसी जगह से दूसरी। अगेन इसमें एक डालेंगे, सेकंड वन में एक बनाएंगे और जो तीसरी वाली रो है इसमें हमें दो बना लेनी है। ओके, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। जितनी भी रोज़ बनी हैं उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो दो बार हमें एक एक बनानी है और तीसरी बार में दो बना लेनी है। यहाँ पे एक और सेम इसी प्लेस से दूसरी, ऐसे ही करते हुए पूरे राउंड को पूरे में मैंने सेम वैसे ही बना लिया है। और अब इसमें हमें इसे ऐड करना है और ऐड करने टाइम यहाँ पे देखिएगा लूप को निकालेंगे और ओवर इसे करेंगे दूसरे कलर के थ्रेड से, सेम वही थ्रेड जो हमने ड्रेस में यूज़ किया है। ओके, डिज़ाइन भी हमें सेम वही बनानी है। तो जितनी भी इसमें सिंगल क्रोशिया बनी हुई है सब में पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। एक दो तीन चार, तो सिंगल क्रोशिया इसमें बन के पहले राउंड में रेडी हो चुकी हैं, तो उन्हीं के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पर आ जाएंगे। पूरे में मैंने ऐसे ही सेम पैटर्न को रिपीट करके बना लिया है, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे वर्क को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन और ये चेन हमारी एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, जहाँ पे आपने ऐड किया है उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन एज अ स्पेस लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे इसे छोड़ देंगे और इसके बाद वाली जो है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन नेक्स्ट वन को स्किप करेंगे, उसके बाद वाली में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन इसके बाद वाली स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में एक सिंगल क्रोशिया। तो बीच में एक चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया को एक छोड़ देंगे और दूसरी वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे देखिए बीच बीच में हल्का सा गैप बन के रेडी होगा। तो पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे और वर्क के एंड में यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर अपने वर्क को ऐड कर देंगे। अगेन यहाँ पे इस धागे से ऐड नहीं करेंगे, ये जो दूसरा थ्रेड है हमारा इस थ्रेड से इसे यहाँ पे ऐड करना है। एक हल्का सा इसे टार्ट करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना ली है और ये तीन चेन इसके बाद यहाँ पे जो एक गैप है एक चेन का स्पेस दिया था यहाँ पे क्रोशा को डालेंगे और एक क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर बनाने के लिए डबल क्रोशा को आधा ही ओवर करेंगे, एक फिर से दोबारा भी वहीं से डालेंगे और ओवर करेंगे और तीसरी डबल क्रोशिया भी इसी स्पेस से बनाएंगे और आधा ही ओवर करेंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा एक दो तीन चार लूप हैं, इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे, एक चेन बना लेंगे। अगेन इसके बाद वाली जो चेन स्पेस है सिंगल क्रोशिया में नहीं, सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन स्पेस बनाया था इसी में डालना है और इसी में क्लस्टर बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाई आधी ही ओवर की, इसी जगह से फिर से डालेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे आधा ही ओवर करेंगे, इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब जब चार लूप हो जाएंगे तो इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। सेम प्रोसेस को हर उस गैप में करना है जो सिंगल क्रोशिया के बाद एक एक चेन का स्पेस है,
पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। यहाँ पे पूरे में मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखिए तीन चेन बनाई थी, जो थर्ड नंबर वाली जो चेन है इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। एक चेन सेम इसी स्पेस से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ बीच में दो पैटर्न के बीच में बनानी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया पैटर्न के जस्ट ऊपर बनानी है, अगेन दो पैटर्न के बीच में बनाएंगे और एक पैटर्न पर बनाएंगे। ठीक है, तो एक दो पैटर्न के बीच में जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और एक जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे एक चेन दिख रही होगी, इसमें बनाते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ओके, फिर से मैंने पूरा राउंड ओवर कर लिया है और अब अगेन जहाँ से स्टार्ट किया है उसी स्पेस पे डालना है, धागे को ऐड करना है। अब दूसरे धागे से दूसरा वाला थ्रेड ले लेंगे और इससे ओवर करेंगे। अब एक राउंड हमें कुछ राउंड इसमें येलो कलर से बनाना है, तो अब एक चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस पे जहाँ पे ऐड किया है इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्लस्टर में तीन डबल क्रोशिया है, जो सबसे बीच वाली है इसे हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है और नीचे की तरफ से इसे ऐसे उठा लेना है, एक उठाते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह का पैटर्न बन के रेडी हुआ। अब एक देखिए, ये सिंगल क्रोशिया हमने डिज़ाइन के जस्ट ऊपर बनाई है और एक बीच में बनाई है, तो बीच वाली जो है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिज़ाइन वाली में नीचे से क्लस्टर के को बीच वाला जो डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसके बाद वाली में एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद जो क्लस्टर वाली डिज़ाइन है इसमें बीच वाले को उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में एक सिंगल क्रोशिया और क्लस्टर वाली को बीच से उठाते हुए एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरे राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनके इसमें रेडी होगा। पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और ओवर करेंगे। ये देखिए पूरे में सेम पैटर्न को बना के अब राउंड को यहीं से फिर से ओवर करना है और एक रो और सिंगल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। एक चेन जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद जितनी भी आपको सिंगल क्रोशिया दिख रही हैं, डबल क्रोशिया वाली हो या सिंगल क्रोशिया वाली, इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। ओके, देखिए इसमें डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर इसमें नेक्स्ट वन में, तो जितनी भी आपको ऊपर चेन दिख रही है इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे रेडी करेंगे। वर्क एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे क्रोशिया को ऐड करेंगे, अगेन धागे को चेंज करके ऐड करेंगे और अब बाकी का पूरा वर्क हमें इसी कलर के थ्रेड से वर्क करना है। येलो कलर का थ्रेड यहाँ से कट कर देंगे, थोड़ा सा लंबा थ्रेड करें ताकि आप इसे अंदर यहीं पे एडजस्ट कर सकें। और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशिया और क्रॉस स्टिच का ही वर्क करना है। दो चेन बनाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से डाल के एक डबल क्रोशिया, तो ये जो दो चेन है इसे हम एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जितनी भी सिंगल क्रोशिया आपने बनाई है इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये वाला जो थ्रेड है इसे इस तरह से लेते चलेंगे ताकि ये अंदर इसी में एडजस्ट हो जाए। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ओके, डबल क्रोशिया बनाएंगे और कट बनाते हुए एंड पर आएंगे। एंड में
अपनी वर्क को यहीं पे ऐड करेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट रो क्रॉस स्टिच की बनानी है, तो सबसे पहले दो चेन बना के इसी स्पेस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन ये दो चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। और अब जिसे स्किप किया है, एक हमने छोड़ दी थी, तो उसमें डालना है क्रोशिया को और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, तो इस तरह से क्रॉस बन के रेडी होता है। फिर से एक को छोड़ देंगे, दूसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगेन जो हमने छोड़ी है उसमें डालेंगे और उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसे छोड़ेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और इस राउंड को पूरा ओवर करेंगे। पूरे में ऐसे ही क्रॉस स्टिच बना के पूरा रेडी करेंगे। ओवर होने पर अगेन इसे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ऐड करेंगे। फिर से दो चेन बनाएंगे, सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया। अगेन तीसरा जो राउंड बनेगा वो डबल क्रोशिया का बनेगा। तो जितनी भी आपको इसमें डबल क्रोशिया दिख रही हैं, इन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के इसमें रेडी करना है। सब में ऐसे ही बनाएंगे और रेडी करेंगे। और टोटल इसमें 7 राउंड बनाने हैं। तो एक डबल क्रोशिया का राउंड, फिर एक क्रॉस स्टिच का, फिर डबल क्रोशिया, फिर क्रॉस स्टिच, फिर डबल क्रोशिया, फिर क्रॉस स्टिच बनाना है। तो इसमें टोटल इस तरीके से 7 राउंड बनाने हैं। तो मैं 7 राउंड बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। टोटल 7 राउंड इसमें बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अब इसमें हमें फंदों को घटाना स्टार्ट करना है। तो दो चेन बनाएंगे, इसी सेम प्लेस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशिया, पूरा ओवर नहीं करेंगे। इसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया, पूरा ओवर नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे 4 लूप है, इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे। फिर से 3 बार ऐसे ही करेंगे, एक डबल क्रोशिया में डालेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, दूसरी में डालेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, और तीसरी में भी डालेंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे। और जब 4 हो जाएंगे तो इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरे में हमें ऐसे ही करना है। 3 3 डबल क्रोशिया को एक साथ हमें कवर करते हुए उसमें उन्हें बांध देना है, जिससे कि ये घट जाएं। ओके, इस तरह से पूरे में बना के रेडी करेंगे। देखिए इस तरह में हल्का सा इसमें कम हो गया है। इसके बाद वाले राउंड में भी सेम ऐसे ही करेंगे। दो चेन बना के जो पहला वाला बनाया है इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया, आधी ही बनाएंगे। फिर जो दूसरी वाली है इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया को आधा ही बनाएंगे, तीसरी वाली में डालेंगे और इसमें बनाएंगे। तो इस रो में भी ऐसे ही 3 3 करके हमें फंदों को घटा लेना है। 3 डबल क्रोशिया में डालना है एक एक करके, एक, फिर इसके बाद वाली जो 3 की 1 की थी उसकी वाली चेन में डालेंगे, 2 हो गई, और उसके बाद जो 3rd 1 है इसमें डालेंगे। ओके, और इस तरह से इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को इस रो में भी पूरा करेंगे। 2 बार हमने इसमें घटा लिया है, एक बार यहाँ घटाया है और एक बार यहाँ। 2 राउंड बनाने के बाद अब इसे धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर लेंगे और इसमें सुई ये देखिए यहाँ हमने इसमें 2 राउंड बना के इसे पूरा बना लिया है। और अब इसमें धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर लेंगे। और लंबा सा कट करने के बाद इसमें यहाँ पे सुई को डालेंगे। अब ये जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें देखिएगा इस तरह से हमें सुई को डालना है, 1 2, सब में से ऐसे ही निकालेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे इसमें ऐसे ही करते हुए आ जाना है।
हल्का सा खींच देंगे। नीचे की तरफ सुई को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे इसे प्रॉपरली सिल देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये कैप बन के रेडी है। और इसकी ग्रिपिंग देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रिपिंग है, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो ऊपर एक पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, पॉम पॉम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसमें। और इस तरह से ये पूरा सेट बन के रेडी है। ये हो गया इसका स्वेटर और ये है इसकी कैप। दोनों का साइज़ एक ही है, जितने साइज़ स्वेटर का है उतना ही इसकी कैप का भी साइज़ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।